इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सर्किट और सेकंड ऑर्डर सर्किट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, ए फर्स्ट ऑर्डर सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। कोई भी सर्किट है, अगर आप उसमें उसका इक्वेशन लिखेंगे, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, तो उस सर्किट को फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहा जाता है। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एनालाइजिंग आरसी एंड आरएल सर्किट्स आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर कोई आरसी सर्किट है या आरएल सर्किट है, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें लिखेंगे उस सर्किट से, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि आरसी सर्किट और आरएल सर्किट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होते हैं। हेंस द आरसी एंड आरएल सर्किट्स आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। इसलिए आरसी और आरएल सर्किट्स को फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि आरएल और आरसी सर्किट ही सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हैं, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कई प्रकार के हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हमारे सामने ये आरएल सर्किट है और देखते हैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का आता है या नहीं, या अगर हमें ये पता करना है कि किस ऑर्डर का सर्किट है, तो हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा। तो मान लेते हैं इस सर्किट में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे, इसमें अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे आर इंटू आई, जहाँ आई जो है वो टाइम का फंक्शन है, आर इंटू आई प्लस, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आर इंटू आई, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा आपको एल डी आई बाई डी टी और एंड इक्वल टू वी। अगर इस सर्किट में अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज ला अप्लाई करेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं आर इंटू आई प्लस, आर इंटू आई हो गया आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, एल इंटू डी आई बाई डी टी हो गया आपको इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज, इक्वल होगा सोर्स वोल्टेज के। अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर इंटू आई इज इक्वल टू वी। यहाँ से अगर हम एल को यहाँ से हटाकर और इसको यहाँ से एल को हटाएंगे, तो लिख सकते हैं डी आई वाई डी टी प्लस आर बटा एल इंटू आई इज इक्वल टू वी बाई एल, जहाँ हमारा आई जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम का ये फंक्शन है, टाइम के साथ आई का वैल्यू वेरी करता है। तो ये जो आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो सर्किट है वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, ये एक आरसी सर्किट है और हम देखना चाहते हैं कि ये आरसी सर्किट जो है ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है या सेकंड ऑर्डर सर्किट है। तो इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा। मान लेते हैं कि इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, किरचॉफ्स का वोल्टेज ला लगाएंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज ला के अनुसार रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और प्लस कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज इक्वल होगा सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं केवीएल लगाने पे आई आर प्लस जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आई आर होगा, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज उसको हम लिख सकते हैं वन बाई सी इंटीग्रेशन आई डी टी, जहाँ आई टाइम का फंक्शन है, आई जो है वो टाइम का फंक्शन है, आई टी है टाइम का फंक्शन है ये, और इज इक्वल टू वी ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो अगर हम दोनों तरफ एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो ये आर हमारा कांस्टेंट है, आई जो है टाइम का फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी आई वाई डी टी, डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आर इंटू डी आई वाई डी टी प्लस वन बाई सी, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिलकर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपको आई बचेगा, तो आई बटा सी और इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा।
तो इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ से r को हटा दें तो इसको लिख सकते हैं डी आई वाई डी टी प्लस आई अपॉन आर सी इज इक्वल टू जीरो। तो हम देख रहे हैं कि यह भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए ये जो हमारा सर्किट है ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। उसी प्रकार से ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जिसमें कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसमें भी अगर आप किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा, इसलिए यह सर्किट भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। उसी प्रकार से ये आर और सी दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो यह सर्किट भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, क्योंकि इसका अगर आप केसीएल या केवीएल अप्लाई करेंगे नोड पे या किसी लूप में तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो है वो आरसी सर्किट है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। उसी प्रकार से ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जिसे शॉर्ट में ओपेम कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। अगर हम इस नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, इसलिए यह जो है हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। तो जनरली फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पहचानने के लिए अगर किसी सर्किट में एक स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होता है। जैसे इसमें है एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, इसमें भी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, और इसमें भी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो जनरली जो जिसमें एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड ऑर्डर सर्किट। सेकंड ऑर्डर सर्किट, ए सेकंड ऑर्डर सर्किट इज करेक्टराइज्ड बाय ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सेकंड ऑर्डर सर्किट होंगे वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा करेक्टराइज्ड होते हैं, पहचाने जाते हैं। द सर्किट कंटेनिंग टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट आर सेकंड ऑर्डर सर्किट्स। यानी कि अगर किसी सर्किट में दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है तो उस सर्किट को आप सेकेंड ऑर्डर सर्किट कह सकते हैं, बिकॉज देयर रिस्पॉन्सेज आर डिस्क्राइब्ड बाई डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स सेकेंड डेरिवेटिव। यानी कि उसको सेकेंड ऑर्डर सर्किट इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर आप उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। ए सेकेंड ऑर्डर सर्किट मे हैव टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप। यानी किसी सेकेंड ऑर्डर सर्किट में जो दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हैं ये दोनों डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं या सेम टाइप के हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर हो सकता है, या दोनों कैपेसिटर हो सकता है, दोनों इंडक्टर हो सकता है। सेकेंड ऑर्डर सर्किट में दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर दो सेम टाइप के हैं तो उनका इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई सर्किट में दो इंडक्टर हैं लेकिन दोनों इस टाइप से जुड़े हुए हैं कि इनका इक्विवेलेंट एक इंडक्टर हो सकता है, तो इस प्रकार के सर्किट सेकंड ऑर्डर सर्किट नहीं होंगे। प्रोवाइडेड एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई एन इक्विवेलेंट सिंगल एलिमेंट। यानी कि अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उन्हें सिंगल एलिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, तो वो आपको सेकेंड ऑर्डर सर्किट हो सकते हैं अगर सेम टाइप के दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो। और अदरवाइज एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, दो डिफरेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं, तो वो सेकेंड ऑर्डर सर्किट होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कैपेसिटर है और इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि इसका इक्विवेलेंट निकलता है, इक्विवेलेंट में दोनों कैपेसिटर ऐड हो जाते हैं। तो इस अगर इस प्रकार से दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं जिनका कि इक्विवेलेंट सिंगल एलिमेंट हो सकता है तो ये सेकेंड ऑर्डर सर्किट नहीं होंगे। एंड
ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ टू इनर्जी स्टोरेज एलिमेंट मे ऑल्सो बी ए सेकेंड ऑर्डर सर्किट। कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसमें दो इनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है तो वो भी आपको सेकेंड ऑर्डर सर्किट हो सकता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, इसमें दो इनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो यह सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। इसमें हम इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका इक्वेशन डराइव करेंगे तो देखेंगे कि इसका इक्वेशन जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। मान लीजिए कि सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है जो कि टाइम का फंक्शन है, और अगर हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ इसमें अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं कि आई आर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे लिखा जा सकता है एल डी आई वाई डी टी, प्लस जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे लिखा जा सकता है 1/C इंटीग्रेशन आई डी टी इज इक्वल टू ये जो सोर्स वोल्टेज है डी के बराबर, यानी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इन तीनों का सम जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम KVL अप्लाई करके हम इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा कि यहाँ आई जो है वो वेरिएबल है और आर कॉन्स्टेंट है, तो ये आर इंटू डी आई वाई डी टी, एक और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी आई वाई डी टी हो जाएगा, प्लस एल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर पहले से था इस पर, ये सेकेंड ऑर्डर में हो जाएगा डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, एक और डिफ्रेंशिएट करने पे डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये इंटीग्रेशन है इसको एक और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन मिलकर ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा आपको आई बाई सी, और राइट हैंड साइड में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें, एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई सी इज इक्वल टू जीरो, हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से हम एल हटाएंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर वाई एल डी आई वाई डी टी और प्लस आई बटा एल सी, जहाँ आई वेरिएबल है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है जो कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं यह सर्किट जो है हमारा वो सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। ठीक उसी प्रकार से इस सर्किट को देखिए, इसमें भी दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तो ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। इसमें देखिए एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। यह एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, सेकेंड ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। इसमें भी दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं, दोनों कैपेसिटर ही हैं, लेकिन इस प्रकार से कनेक्टेड हैं कि इनका इक्विवेलेंट सिंगल एलिमेंट नहीं हो सकता है, तो इसलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया फर्स्ट ऑर्डर सर्किट और सेकेंड ऑर्डर सर्किट, तो इसमें आपको इस टॉपिक से अभी तक आपको एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से पूछे गए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है, भाटी सिस्टम। तो ए सिस्टम इज ए सेट ऑफ फिलामेंट्स, एक सिस्टम जो है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स है, कई सारे एलिमेंट्स उसमें हैं, उनका सेट है एक, और फंक्शनल ब्लॉक्स या कई सारे उसमें फंक्शनल ब्लॉक हैं जो कि विच आर कनेक्टेड टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस एंड आउटपुट, यानी कि एक सिस्टम जो है वो कई सारे एलिमेंट्स का एक सेट है
या कई सारे फंक्शनल ब्लॉक्स का एक सेट है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू एन इनपुट सिग्नल, और इस प्रकार से जुड़े होते हैं तो उसमें अगर हम कोई इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करें तो हमें कुछ रिस्पॉन्स देता है आउटपुट के रूप में। तो इस प्रकार को हम लोग सिस्टम कहते हैं। द रिस्पॉन्स और आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, और जो आपको सर्किट का सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन पे। कहने का मतलब यह है ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का। ये आपको ब्लॉक के अंदर एक सिस्टम है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स या फंक्शनल ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इस सिस्टम में जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, आरटी हमारा इनपुट शो कर रहा है या इनपुट है इनपुट सिग्नल, तो हमें उस सिस्टम से उस सिस्टम का कुछ रिस्पॉन्स मिलता है आउटपुट के रूप में मिलता है। इसी को अगर हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस इनपुट सिग्नल जो आरटी है इसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म में हम लोग आरएस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सीटी जो रिस्पॉन्स है इसको रिस्पॉन्स या आउटपुट कहते हैं, इसको हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म में सीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इनपुट और आउटपुट इन दोनों को रिलेट करता है उसको ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो हर सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो उस ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा इनपुट और आउटपुट को रिलेट किया जाता है, यानी आपका सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन पर डिपेंड करता है। अब हम ये जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन द रेशियो ऑफ आउटपुट दैट इज रिस्पॉन्स टू इनपुट, यानी ट्रांसफर फंक्शन जो है वो एक रेशियो है आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, यानी रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो है। इन लैपलेस ट्रांसफॉर्म में होता है वो रेशियो इन एनी सर्किट किसी भी सर्किट में विथ जीरो इनिशियल कंडीशंस। जीरो इनिशियल कंडीशन कहने का मतलब है कि उस सर्किट में पहले से कोई इनर्जी स्टोर्ड नहीं है, जैसे इंडक्टर कनेक्टेड है या कैपेसिटर कनेक्टेड है तो वो पहले से उस इंडक्टर या कैपेसिटर में कोई भी एनर्जी चार्ज नहीं है, तो जीरो इनिशियल कंडीशन उसे कहते हैं। इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट नेटवर्क, यानी कि किसी भी नेटवर्क में या सर्किट में या सिस्टम में आउटपुट और इनपुट के रेशियो को लैपलेस ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंट करने पे हमें जो फंक्शन मिलता है उसी को ट्रांसफर फंक्शन कहा जाता है। यानी ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट प्रोवाइडेड जीरो इनिशियल कंडीशंस। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है टीएस से ट्रांसफर फंक्शन, और ये एस का फंक्शन होता है इसलिए इसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि टीएस जो है यानी ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आउटपुट यानी रिस्पॉन्स और इनपुट इन दोनों का रेशियो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म में होता है। यानी कि टीएस इज इक्वल टू सीएस वाई आरएस, जहां सीएस जो है आपका रिस्पॉन्स है या आउटपुट है, और आरएस जो है वो आपका एक्साइटेशन है या इनपुट है। वेयर सीएस एंड आरएस आर रिस्पॉन्स, सीएस जो है वो रिस्पॉन्स है एंड आरएस जो है वो इनपुट है ऑफ द सर्किट रिस्पेक्टिवली इन लैपलेस ट्रांसफॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, और किसी भी सिस्टम को उसके ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर उस सिस्टम में हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उस सिस्टम के द्वारा हमें रिस्पॉन्स के रूप में आउटपुट मिलता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या है? ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज वन विच इज वेयर इन हाइएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू वन। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें कि जिसका कि ट्रांसफर फंक्शन में जिससे यह ट्रांसफर फंक्शन है तो इसके ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है ट्रांसफर फंक्शन जो आएगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें एस का हाइएस्ट पावर अगर वन है, उसके डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल में अगर एस का हाइएस्ट पावर वन है तो उस प्रकार के सिस्टम को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहा जाता है। अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में हाइएस्ट पावर एस का वन है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर
सिस्टम कहा जाता है। दस ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड बाई ए ट्रांसफर फंक्शन। और इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा, वो इस टाइप से लिखा जाता है वन बटा एस टी प्लस वन। क्योंकि हमने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो होते हैं उसको उसके डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका हाईएस्ट पावर एस का हाईएस्ट पावर वन होता है, वन होता है हाईएस्ट पावर। तो इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है और कुछ कांस्टेंट एडिशन हो सकता है। तो एक जनरल फॉर्म है ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ये जनरल ट्रांसफर फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में हो सकता है वन वाई एस टी प्लस वन, जहाँ टी को उस सिस्टम का ट्रांसफर टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टी को सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है वन बाई एस टी प्लस वन। टी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम और इसको सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है, सेकंड इसका यूनिट सेकंड होता है। अब ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है इसको ब्लॉक डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इसको देखते हैं। इसी फंक्शन को सी एस बटा आर एस जो है ट्रांसफर फंक्शन है हमारा वन वाई एस टी प्लस वन, इसको ब्लॉक डायग्राम में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां ये आर एस जो है वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में आपका इनपुट है, सी एस जो है ये आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म में आउटपुट है। इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट, ये है आपका समिंग पॉइंट, जहाँ दो या दो से अधिक सिग्नल आके मिलते हैं, ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसको समिंग पॉइंट कहते हैं। ये समिंग पॉइंट दो या दो से अधिक सिग्नल को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो और ये जो लिखा हुआ है आपको वन वाई एस टी, इसे गेन कहते हैं, जी ए आई एन गेन। ये आपका पाथ है, इसको फॉरवर्ड पाथ कहते हैं, ये फॉरवर्ड पाथ कहते हैं जिसमें कि हमने कुछ इनपुट दिया और ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है जिसको कि हमने किसी ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया। तो इस सिस्टम में जब हमने इनपुट दिया तो हमें कुछ आउटपुट के रूप में कुछ मिला, सी एस हमें आउटपुट के रूप में मिला। अब इस आउटपुट में से हमने एक फीडबैक पाथ निकाला, यानी आउटपुट क्या है उसको हमने फिर से वापस हमने इनपुट में दिया, आउटपुट को जो आउटपुट हमें मिला उसमें उसको हमने एक अलग पाथ के द्वारा उसे हमने फिर से इनपुट में डाला, तो इसे फीडबैक पाथ कहते हैं, इसे फीडबैक पाथ कहते हैं। तो ये आपका फीडबैक पाथ है जो कि आपके आउटपुट को वापस इनपुट में डालता है, फीडबैक आउटपुट को वापस इनपुट में डालता है। और एक इनपुट आपका पहले से ही था, ये दोनों इनपुट इस समेशन के द्वारा, इस समिंग पॉइंट के द्वारा यहाँ पे ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चूंकि ये जो फीडबैक पाथ से जो लिया गया है ये यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये निगेटिव फीडबैक है, और ये वाले सिग्नल इनपुट सिग्नल और ये फीडबैक वाले सिग्नल ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये आपका इनपुट था और ये आपका इधर से आउटपुट आया है, आउटपुट को हमने वापस इनपुट में डाला है। तो आउटपुट और इनपुट, ये आपका आउटपुट है, सॉरी ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है उसे एरर कहा जाता है, इनपुट और आउटपुट में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसे एरर कहा जाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस जो यहाँ पे आपको आउटपुट के रूप में मिल रहा है यहाँ पे, उसको एरर सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं, ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है तो इसे फॉरवर्ड गेन कहते हैं, इसको फॉरवर्ड गेन कहते हैं। और इसे हम और इस यहाँ पे भी कोई ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है, इसको हम लोग फीडबैक गेन कहते हैं। यहाँ पर भी अगर कोई गेन है इस प्रकार से फंक्शन के रूप में लिखा हुआ हो सकता है, तो इसे हम लोग फीडबैक गेन कहते हैं। और अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो ये समझ आता है कि फीडबैक गेन यूनिटी है, वन है, ठीक है। तो यहाँ वन कहने का मतलब ये हुआ कि सी एस इंटू वन आपको यहाँ इनपुट के रूप में फिर वापस जा रहा है, यहाँ आपका आउटपुट सी एस है और फीडबैक गेन आपका वन है, तो सी एस इंटू वन जो है आपको वापस इनपुट में दिया जा रहा है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फिर आपको ये गेन के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम इस ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे हम इस ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये हमें आता है कि नहीं आता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि यहाँ देखिए, आपको इनपुट सिग्नल RS है, इनपुट सिग्नल RS है, और यहाँ से जो फीडबैक सिग्नल यहाँ पे जो आ रहा है, इसमें जुट रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पे चूंकि घट रहा है, और ये यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो है आपको, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से CS हमारा आउटपुट था, CS से ही हमारा यहाँ पे लिया गया है, और चूंकि यहाँ पे 1 है इसलिए CS को 1 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी कि CS को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CS ही आएगा। तो इन दोनों का अब डिफरेंस RS और CS, यहाँ पे हमें CS मिल रहा है, ये जो सिग्नल आ रहा है ये CS है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और फंक्शन रहता तो CS के साथ उतना मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आता, नहीं कुछ है, इसका मतलब है कि 1 है और CS into 1 हमको यहाँ पे आ रहा है। और अब इन दोनों यहाँ पे एडिशन होकर के सम या एडिशन होकर के या फिर सब्ट्रैक्शन होकर के आपको आउटपुट के रूप में ये आगे मिलेगा। तो आपको जो RS माइनस CS, इन दोनों यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। और उसके बाद ये फॉरवर्ड गेन जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1/ST से, यहाँ पे जो भी ब्लॉक रहेंगे उससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल 1/ST से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद फिर हमें ये CS के बराबर मिलेगा, फिर ये हमें आउटपुट मिलेगा। यानी यहाँ से जो ये जो सिग्नल है, यहाँ पे जो आपको सिग्नल आ रहा है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे फिर हमें CS मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सिग्नल कितना आ रहा है, RS और माइनस CS, CS ये वाला इधर से आ रहा था, तो RS माइनस CS उसको 1/ST से मल्टीप्लाई करने पे हमें फिर वापस CS मिल रहा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा RS माइनस CS इंटू 1/ST इज इक्वल टू CS, यही हमें फिर आउटपुट मिला। ये हमें आउटपुट इनपुट का डिफरेंस था, आउटपुट इनपुट का डिफरेंस, इसको हम इरर सिग्नल जितना को कह सकते हैं, इतने को हम इरर भी कह सकते हैं, इरर सिग्नल RS माइनस CS को इरर सिग्नल भी कह सकते हैं। और उसी इरर सिग्नल को फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करके फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हो जाएगा RS इंटू 1/ST माइनस CS इंटू 1/ST इज इक्वल टू CS। यह हो गया आपको CS, यहाँ भी है CS, यहाँ भी है। अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमें हो जाएगा 1+1/ST, इसको उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होने करने के बाद फिर CS कॉमन ले लेंगे तो 1+1/ST इज इक्वल टू RS इंटू 1/ST। और यहाँ से अगर हम करें CS by RS अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/ST और बटा 1+1/ST। इसको अगर हम LCM लेंगे तो आपको हो जाएगा 1/ST बटा 1+ST और बटा ST। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचा, 1/ST+1, ये आपको CS/RS मिला। तो CS/RS, CS हमारा क्या है, CS हमारा आउटपुट था, रिस्पॉन्स था, RS क्या था, इनपुट था। तो आउटपुट और इनपुट के रेशियो को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, और वह ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या मिला, ST+1, जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। और इसी फंक्शन को हमने ले करके और ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था। तो कहने का मतलब है कि हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को उस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कि एक फॉरवर्ड पाथ में जो फॉरवर्ड गेन है वो 1/ST है, और आउटपुट आपका CS है, इनपुट आपका RS है, और आउटपुट को यूनिटी फीडबैक के द्वारा फिर वापस इनपुट में देते हैं नेगेटिव फीडबैक, और
तो इस प्रकार से हम ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जनरल ब्लॉक डायग्राम हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी ब्लॉक डायग्राम अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जीएस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड पाथ का गेन है, फॉरवर्ड पाथ है, फॉरवर्ड पाथ का गेन जीएस के द्वारा लिखा हुआ है, यानी ये एस का फंक्शन हो सकता है, इसका कोई किसी भी प्रकार का फंक्शन हो सकता है। और यहाँ पे आपको एक समिंग पॉइंट है जिसमें कि इनपुट सिग्नल आरएस ऐड हो रहे हैं और ये फीडबैक सिग्नल आपको ऐड हो रहे हैं, और फीडबैक जो गेन है उसको हम एचएस से सूचित कर रहे हैं, एचएस से फीडबैक के गेन को एचएस से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ये सबट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक है, तो इनपुट आरएस और ये आपको आउटपुट जो आपका सीएस था, तो सीएस इंटू एचएस ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है, तो इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन आपको लिखना है, कोई भी ब्लॉक डायग्राम अगर इस फॉर्मेट में है जिसका कि फॉरवर्ड पाथ में जो गेन है वो जीएस है और फीडबैक गेन आपको एचएस है, तो इस ट्रांसफर और आउटपुट सीएस है यानी रिस्पॉन्स सीएस है और इनपुट आरएस है, तो ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको इसको लिखना है सीएस बटा आरएस अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है जीएस बटा वन प्लस जीएस इंटू एचएस। यानी अगर आपको ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है तो उस ब्लॉक डायग्राम को देख करके आप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं जीएस बटा वन प्लस जीएस इंटू एचएस। यहाँ पे जो भी एस का फंक्शन हो, यहाँ पे जो भी एस का फंक्शन हो, अगर यहाँ पे यूनिटी है, एचएस की जगह पे यूनिटी है तो यहाँ पे वन लिखाएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं वन प्लस जीएस इंटू एचएस। इसको करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। इसको अगर इसको जीरो के बराबर इक्वल करें तो ये जो इक्वेशन है इसको करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं, उस ट्रांसफर फंक्शन का करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं वन प्लस जी एस इंटू एच एस को। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है ये इसमें एस का हाइस्ट पावर जितना रहेगा उतने ऑर्डर का वो सिस्टम है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रहेगा तो इसको ये जो इक्वेशन है आपको इसमें एस का हाइस्ट पावर वन रहेगा, अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रहेगा तो इसमें एस का हाइस्ट पावर दो रहेगा, ठीक है। तो ये किसी भी ब्लॉक डायग्राम से हम लोग कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला हुआ। अच्छा, और ये आपका इनपुट है, ये आपका रिस्पॉन्स है, आउटपुट है, तो आउटपुट इनपुट का जो डिफरेंस है उसको एरर सिग्नल कहा जाता है, ईएस। उसको यहाँ पे डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है तो इसको एरर सिग्नल कहते हैं। तो अगर आपको ईएस बटा आरएस को एरर फंक्शन कहते हैं, जैसे सीएस बटा आरएस को ट्रांसफर फंक्शन बोले उसी प्रकार से ईएस बटा आरएस को एरर फंक्शन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है आपको वन प्लस जीएस इंटू एचएस। ये दो फार्मूला आप याद रखेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम को देख के आप दो फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि ईएस बटा आरएस क्या होगा, जहाँ ई एस एरर सिग्नल, आर एस इनपुट सिग्नल, दोनों का रेशियो एरर फंक्शन कहलाया, सी एस आउटपुट या रिस्पॉन्स और आर एस इनपुट सिग्नल दोनों का रेशियो ट्रांसफर फंक्शन। तो ये ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला है और ये एरर फंक्शन का फार्मूला है। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स को डिस्कस करते हैं। ये सिग्नल्स जो हैं ये आपको किसी भी सिस्टम में जो इनपुट के रूप में हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल है तो सिस्टम में हम लोग इस सिग्नल को प्रोवाइड करके उसका रिस्पॉन्स देखते हैं कि ये सिग्नल को प्रोवाइड करने पे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो सिग्नल्स हैं हमारे, पहला है इम्पल्स सिग्नल। किसी भी सिस्टम में इम्पल्स सिग्नल जब हम अप्लाई करेंगे तो उस सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये हम लोग निकालते हैं, सिस्टम का रिस्पॉन्स हम लोग निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। इम्पल्स सिग्नल जो है एक सिग्नल है जो कि बहुत ही स्मॉल समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए अप्लाई होता है, यानी कि यह सिग्नल जो है वो डिफाइन होता है सिर्फ t = 0 पे।
टी इज इक्वल टू जीरो पे ही यह सिग्नल डिफाइन होता है, बाकी टी ग्रेटर देन जीरो और टी लेस देन जीरो के लिए सिग्नल का वैल्यू जीरो होता है। टी इज इक्वल टू जीरो पे इस सिग्नल का वैल्यू होता है और बहुत हाई मैग्नीट्यूड का ये वैल्यू होता है। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ये एक इम्पल्स है, इम्पल्स बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होता है, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो इस इम्पल्स सिग्नल का मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, इन्फिनिटी होता है एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। इम्पल्स सिग्नल को डेल्टा से सूचित करते हैं, इम्पल्स सिग्नल को इम्पल्स सिग्नल को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं और सिग्नल का वैल्यू एट टी इज इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये बहुत हाई मैग्नीट्यूड के सिग्नल्स होते हैं और बहुत ही स्मॉल समय के लिए लेते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये अप्लाई होता है। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ही सिर्फ डिफाइन है और बाकी टाइम के लिए इसका वैल्यू जीरो होता है। दूसरा सिग्नल है आपको, अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल है तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल के लिए जो डेल्टा का जो एरिया होता है वो वन होता है, एरिया अंडर द इम्पल्स सिग्नल वो यूनिटी होता है, तो उसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल कहते हैं। उसी प्रकार से यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल ये फंक्शन कैसे डिफाइन है कि यूनिट स्टेप सिग्नल फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इस सिग्नल का वैल्यू वन होता है। टी ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे ये टी का है और ये आपको यूटी है, यूटी फंक्शन है, तो यूटी का वैल्यू टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इधर टी ग्रेटर देन जीरो है, इधर टी लेस देन जीरो है, तो यूटी जो डिफाइन है या सिग्नल डिफाइन है इस सिग्नल का वैल्यू वन होता है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। टी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इस सिग्नल का वैल्यू वन है और इस सिग्नल का वैल्यू जीरो होता है अगर टी लेस देन जीरो है, तो टी इक्वल टू जीरो पे ही सिग्नल का वैल्यू वन होता है। उस प्रकार से एक और सिग्नल है रैंप सिग्नल, उसे कहते हैं यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल। यूनिट रैंप सिग्नल जो होते हैं ये डिफाइन है, इसको सूचित करते हैं आरटी से और आरटी का वैल्यू ये फंक्शन जो है ये आरटी इक्वल टू टी होता है, यानी कि यह एक लीनियर सिग्नल है जिसका कि स्लोप वन है, जिसका कि स्लोप वन है, ग्राफ से इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह स्ट्रेट लाइन है जिसका कि स्लोप वन है, इसका स्लोप टेन थीटा का वैल्यू वन हो तो इसको यूनिट रैंप सिग्नल कहते हैं। और टी लेस ये टी ग्रेटर देन जीरो के लिए है और टी लेस देन जीरो के लिए इसका वैल्यू जीरो होता है, फॉर टी लेस देन जीरो के लिए इसका वैल्यू जीरो होता है। और एक और सिग्नल होते हैं, चौथा होता है पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल ये सिग्नल इसको पी टी से सूचित करते हैं और ये डिफाइंड है टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू जब टी ग्रेटर देन जीरो हो तो और इसका वैल्यू जीरो होता है, जब टी लेस देन जीरो हो तो, और इसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, एक पैराबोलिक सिग्नल है ये टी स्क्वायर बाई टू जो है, ये आपको एक पैराबोलिक सिग्नल है टी स्क्वायर बाई टू। तो ये आपको चार स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स हैं जो कि किसी भी सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम या सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में अप्लाई करके और हम सर सिस्टम का रिस्पांस चेक करते हैं कि सिस्टम का रिस्पांस क्या है। जब हम इम्पल्स सिग्नल इनपुट के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो सर्किट का रिस्पांस क्या है, जब स्टेप्स यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इनपुट के रूप में तो सर्किट का रिस्पांस क्या है या सिस्टम का रिस्पांस क्या है, जब रैंप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस क्या है, और जब पैराबोलिक सिग्नल हम लोग अप्लाई करेंगे तो सिस्टम का रिस्पांस क्या है। तो इन सब को टेस्ट सिग्नल भी कहते हैं और बारी बारी से हम लोग इन सब को अप्लाई करके हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस जानते हैं कि क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पांस हम स्टडी करेंगे सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट फंक्शन, यानी कि अगर इनपुट के रूप में यूनिट स्टेप सिग्नल या यूनिट स्टेप फंक्शन अगर दिया जाए तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या रिस्पांस होगा उसको हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं।
द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम होता है उसको उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है 1YST+1, ये होता है आपको CS/RS। तो अगर हमें सिर्फ आउटपुट चाहिए, सिर्फ आउटपुट, तो हम यहाँ से RS को उस साइड करेंगे तो RS हमारा इस साइड आ जाएगा, तो RS into 1YST+1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट का एक्सप्रेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CS=RS(1YST+1, जहाँ CS जो है हमारा आउटपुट है, रिस्पॉन्स है, और RS जो है हमारा इनपुट है। तो अभी हम लोग फिलहाल इनपुट सिग्नल के रूप में यूनिट स्टेप सिग्नल लेंगे, यानी RS के जगह पे यूनिट स्टेप सिग्नल रखेंगे और देखेंगे कि सर्किट का रिस्पॉन्स क्या है। सर्किट का रिस्पॉन्स चेक करने का मतलब है कि हम इसको सॉल्व करके और सीटी का वैल्यू निकालेंगे। सीटी का वैल्यू क्या आता है टाइम के फंक्शन के रूप में, यह भी तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म के रूप में है। सीटी का वैल्यू टाइम के रूप में इसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर वहाँ से स्टडी करेंगे कि इसका जो इनपुट सिग्नल जब स्टेप यूनिट स्टेप सिग्नल हो तो इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो एज द इनपुट इज यूनिट स्टेप सिग्नल, जब यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ पे हमारा इनपुट के रूप में हमने लिया है, यूनिट स्टेप सिग्नल पे हम इसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तो यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए जो इनपुट सिग्नल है वो 1 होता है, अभी हमने देखा था। सूचित करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन होता है यूटी, लेकिन यहाँ पे हम सब के लिए इनपुट सिग्नल को आरटी से सूचित कर रहे हैं और उसके लैपलेस ट्रांसफॉर्म को आरएस से सूचित कर रहे हैं। ये आपको सिस्टम के लिए नोटेशन है आरटी, और जो यूनिट स्टेप सिग्नल है उसको यूटी से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा आरटी की जगह पे यूटी है। तो जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसका वैल्यू 1 होता है t > 0 के लिए, और इसका लैपलेस हम जानते हैं, लैपलेस जब लेंगे तो उसको हम कैपिटल आर एस से लिखेंगे, और यूनिट स्टेप सिग्नल का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1YS। तो अब हम आर एस के जगह पे 1YS यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिला, CS=1YS(1YST+1। ये CS हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है। इसी रिस्पॉन्स को हमें तो स्टडी करना है कि जब हमने इनपुट के रूप में यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई किया है तो हमें सर्किट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर इन्वर्स लैपलेस लेंगे, उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि सीटी का वैल्यू क्या आ रहा है। तो फिलहाल हम इसको फैक्टराइज करते हैं। हम लोग जब भी फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं S+A(S+B), इस प्रकार के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। एस के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ एस के साथ टी मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने क्या किया, टी को कॉमन ले लिया। टी को कॉमन जब हम लोग ले लिए तो ये टी न्यूमरेटर में कर लिया हमने, कॉन्स्टेंट है 1/t, और नीचे में हमारा बच गया S+ यहाँ हो जाएगा 1/t। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब इसको करेंगे तो इसको लिख सकते हैं A/S+B/S+1/t। तो हम लोग लिखेंगे CS=A/S+B/S+1/t। जब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, A का वैल्यू निकालेंगे तो A का वैल्यू निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे दिए गए उस पूरे फंक्शन को, तो आपको ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग फंक्शन का वैल्यू S=0 पे हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से S=0 पे ही एक पोल है। जब S=0 हम रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 1/t कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 बचेगा। A का वैल्यू 1 आ गया। B का वैल्यू निकालना है, B के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे S+1/t और उस फंक्शन को लिखेंगे, तो हमें S+1/t कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग जो फंक्शन बचा उसमें S के जगह पे -1/t पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो था, अगर हम S+1/t को 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, S=-1/t, इसलिए S के जगह पे -1/t पुट करेंगे। जब S के जगह पे हम -1/t पुट करेंगे, यहाँ प्लस में 1/t है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। A और B का वैल्यू हमें पता चला, इस A और B के वैल्यू को इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि CS=A के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/s, B के जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1/S+1/t।
अब हम लोग इसका इन्वर्स लैपलेस लेंगे। जब इसका इन्वर्स लैपलेस लेंगे तो जो एस का फंक्शन था वो टाइम का फंक्शन बदल जाएगा और जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ था वो स्मॉल लेटर से लिखाएगा। ये नोटेशन है टाइम डोमेन में लिखने का और ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में लिखने का नोटेशन है। तो हम जानते हैं कि 1 बाई एस किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, तो 1 हो गया माइनस। और ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 बटा एस प्लस ए ये किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, तो ई टू दी पावर माइनस ए टी का, ई टू दी पावर माइनस ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई एस प्लस ए। तो उसी प्रकार से 1 बटा एस प्लस यहाँ पर समझ लीजिए कि ए है, तो इस ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा ई टू दी पावर माइनस ए के जगह पे 1 बाई टी इन टू टी। तो हम कह सकते हैं कि ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है ई टू दी पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी का है। तो ये सी टी का वैल्यू हमें निकला और ये सी टी कुछ और नहीं बल्कि सी टी रिस्पॉन्स है। और ये रिस्पॉन्स तब निकला है जब हमने आर एस की जगह पे 1 वाई एस लिया था, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन लिया था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स इसे कहते हैं। इसे सी टी को सी टी इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए टाइम रिस्पॉन्स निकालने के लिए आपको पूछा गया है। तो यही आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स है, जिसमें कि टी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, टी के डिफरेंट वैल्यू के लिए रिस्पॉन्स का अलग अलग वैल्यू आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एरर हमने इनपुट क्या अप्लाई किया था। इनपुट के रूप में हमने यू टी स्टॉप अप्लाई किया था और आउटपुट हमने निकाल लिया। तो इनपुट और आउटपुट दोनों हमको पता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें एरर कितना आ रहा है, या एरर है भी या नहीं है। तो एरर जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस लेंगे कि हमने इनपुट क्या अप्लाई किया था और आउटपुट क्या आ रहा है। तो इनपुट तो हमने टाइम डोमेन में 1 अप्लाई किया था, यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई किए थे जिसका वैल्यू 1 होता है। और ये सी टी जो है रिस्पॉन्स हमें क्या मिला, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, हमें बचा क्या ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी। तो ये हमें एरर मिला। एरर जो है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि आप जिस टाइम पे फंक्शन में कितना एरर है वो निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि टी इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना एरर आ रहा है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना आ रहा है, टी इक्वल टू 1.5 सेकंड पे कितना आ रहा है। तो ये आपको एरर निकला टी के फंक्शन के रूप में, टी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टी, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में एरर का एक्सप्रेशन है। अब अगर इसी फंक्शन में टी के जगह पर अगर इन्फिनिटी पुट किया जाए, टी के जगह पर इन्फिनिटी यानी कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो जो एरर आता है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करने पे एरर के फंक्शन में टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करने पे जो एरर आएगा उसको हम लोग स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब है कि बिल्कुल सर्किट हमारा स्थिर अवस्था में है। तो उस समय एरर कितना होगा स्टेडी स्टेट में, यानी कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद हम उस सर्किट में एरर कितना है। तो अगर हम देखें कि टी के जगह पे इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो हमें हो जाएगा ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया जीरो, यानी कि स्टेडी स्टेट एरर यूनिट स्टेप इनपुट के लिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जीरो है। अब जो हमने सी टी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी वाई टी, इसको अगर हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें तो आप पाएंगे कि 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी वाई टी का ग्राफ, ये जो रेड पेन से आपको दिखाया गया है, यही आपको सर्किट का रिस्पॉन्स है टी के अलग अलग वैल्यू के लिए। टी का वैल्यू जब आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो टी के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये सर्किट का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ये आपको रिस्पॉन्स है। इस सिस्टम को देखिए तो आपको पता चलेगा कि टी के अलग अलग वैल्यू के लिए टी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, सिस्टम का जो वैल्यू है आउटपुट है रिस्पॉन्स है वो भी चेंज हो रहा है। टी का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है सिस्टम का रिस्पॉन्स भी चेंज हो रहा है, हर क्षण सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आ रहा है जिसके बाद सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो कॉन्स्टेंट हो गया है, वो अब वेरी नहीं कर रहा है। तो जिस समय सर्किट हमारा बिल्कुल स्थिर हो गया, इसका वैल्यू टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, इसका रिस्पॉन्स जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है,
टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में पहुंच गया। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। और उसके पहले तक जो वैल्यू है वो टाइम के हर क्षण चेंज हो रहा है, उसे ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। कि ये सर्किट हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में भी है, जिस क्षण जिस समय सर्किट हमारा सर्किट का रिस्पांस प्रत्येक टाइम पे बदल रहा है, टाइम के हर क्षण पे चेंज हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि सर्किट हमारा ट्रांजिएंट स्टेट में है। और जब सर्किट का रिस्पांस कॉन्स्टेंट हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में है। और या कह सकते हैं कि हमारा ये जो हमारा स्टेडी स्टेट पीरियड चल रहा है और उसके पहले के पीरियड को कहते हैं कि ये ट्रांजिएंट पीरियड है। इस सर्किट में ये आपको ग्रीन लाइन से दिख रहा है, ये आपका इनपुट है कि हमने यूनिट स्टेप इनपुट प्रोवाइड किया था, यानी वन हमने इनपुट प्रोवाइड किया था। लेकिन जब सर्किट का रिस्पांस जब हमने देखना शुरू किया तो एस टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे सर्किट का जो रिस्पांस है वो जीरो था। टी इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो जीरो है, और टी इक्वल टू जीरो पे तो फंक्शन का जो रिस्पांस है वो जीरो है। और इधर कितना हो गया तो आपका आउटपुट, ये आपका इनपुट है, आउटपुट जीरो है, तो वन माइनस जीरो आपका ये इरर हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब टाइम बढ़ता गया तो इरर धीरे धीरे कम होता गया और सर्किट का रिस्पांस आपको बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते एक समय आया जब आपको सर्किट का जो रिस्पांस है वो कांस्टेंट हो गया, तो इसके बाद आपको इरर जो है वो कम हो गया। तो जिस समय सर्किट जो है, जिस समय सर्किट का जो रिस्पांस है वो फाइनल वैल्यू का 63.2% अचीव कर लेता है, अपने फाइनल वैल्यू का 63.2% जब सर्किट हमारा जिस समय अचीव करता है उस टाइम को ही टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, उस टाइम को ही उस सिस्टम का या सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। तो मान लीजिए कि ये वो वैल्यू है, टोटल वैल्यू इसका फाइनल वैल्यू तो वन है, तो उसका 63.2% मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो इस समय पहुँचने में, ये रिस्पांस पहुँचने में सर्किट को जितना टाइम लगा उसको सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। तो और सर्किट का जो जितना टाइम कांस्टेंट है उसका लगभग चार गुना टाइम के बाद, सर्किट का जितना टाइम कांस्टेंट है उसका चार गुना टाइम के बाद सर्किट जो है लगभग आपको 98% वो आपको रिस्पांस आउटपुट का 98% रिस्पांस देता है, यानी कि सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है चार गुना टाइम के बाद, टाइम कांस्टेंट का चार गुना टाइम के बाद सर्किट जो है आपका स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। और इसके बाद के टाइम को स्टेडी स्टेट टाइम कहा जाता है, या कहा जाता है सर्किट स्टेडी स्टेट में, सर्किट जो है वो हमारा स्टेडी स्टेट में है या सिस्टम हमारा स्टेडी स्टेट में है। और इस टाइम को, टाइम कांस्टेंट के चार गुना टाइम को सेटलिंग टाइम कहा जाता है, SETLING सेटलिंग टाइम कहा जाता है। तो सेटलिंग टाइम जो है वो आपको टाइम कांस्टेंट का चार गुना होता है। और इस समय लगभग सर्किट जो है अपने फाइनल वैल्यू का 98% अचीव कर लेता है। और इधर आपको 2% जो है ये आपको, क्योंकि आपको जो इनपुट के अनुसार आउटपुट आपको वन होना चाहिए, लेकिन यह आउटपुट जो है 0.98 है, यानी कि 0.02 यानी 2% जो है वो आपको इरर है, अभी भी आपको 2% इरर है। और तो इसी को आप लोग, हम लोग इरर कहते हैं, इरर जो हम लोग निकाल रहे थे वो यही इरर है, आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस। और आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम ये सर्किट जो है आपको स्टेडी स्टेट इरर जो है वो जीरो हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाल करके देखा था। तो उसी ग्राफ से हमने ये कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट टाइम रिस्पांस इक्वल्स 63.2% इन वन टाइम कांस्टेंट, यानी कि सर्किट का जो आउटपुट टाइम रिस्पांस है वो एक टाइम कांस्टेंट में 63.2% इतना मैग्नीट्यूड वो उस सर्किट का आउटपुट आता है, टाइम रिस्पांस 63.2% एक टाइम कांस्टेंट में आता है। एंड अप्रोक्सीमेटली 98% इन 40,
यानी टाइम कांस्टेंट के चार गुना टाइम में 98% सर्किट का रिस्पांस आता है। द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज 1 यूनिट। जो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो सर्किट का जो वो 1 यूनिट है। कैसे? हमने सर्किट का रिस्पांस देखा था 1 - e^(-t/t)। जब t की जगह पर जब आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो आपको ये टर्म आपको 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1, सिर्फ 1 बचेगा। यानी कि एट स्टेडी स्टेट सर्किट जो है, सर्किट का जो रिस्पांस है वो 1 हो जाएगा। एट स्टेडी स्टेट सर्किट का रिस्पांस 1 हो जाएगा। तो वही लिखा गया है कि द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज 1 यूनिट। द टाइम 40 इज टर्म्ड एज सेटलिंग टाइम। 40 को यानी कि टाइम कॉन्स्टेंट का चार गुना, उसको सेटलिंग टाइम कहा जाता है। सर्किट सेट कर जाता है, स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। द मेजरमेंट ऑफ टाइम फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ द इनपुट सिग्नल अप टू सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पीरियड। यानी कि जिस समय सर्किट इनिशिएट हुआ, शुरू हुआ है, उस समय से लेकर जब तक सर्किट सेट करता है, उस पीरियड को ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं। इस ट्रांजिएंट पीरियड में सर्किट का रिस्पांस हर क्षण चेंज होते रहता है। एंड बियॉन्ड सेटलिंग टाइम के बाद जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट में अपीयर होता है। ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ ए सिस्टम इंडिकेट्स दैट स्टेडी स्टेट रिचेज अर्लियर। यानी कि ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, यानी टाइम कॉन्स्टेंट के वैल्यू में डिक्रीज अगर है, अगर कम टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू अगर कम होता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में जल्दी पहुंच जाएगा। अगर टाइम कॉन्स्टेंट सर्किट का कम है या सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट अगर स्मॉल है, जितना कम रहेगा उतना जल्दी सर्किट स्टेडी स्टेट में पहुँच जाएगा। देयरफॉर लोअर द टाइम कॉन्स्टेंट फास्टर इज द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि इस प्रकार से सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट या सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट जितना कम होगा, सर्किट का रिस्पॉन्स या सिस्टम का रिस्पॉन्स उतना ही फास्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सब्जेक्टेड टू यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल। यानी कि वही फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, उसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम टाइम रिस्पॉन्स देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है जब उस सिस्टम में यूनिट इम्पल्स इनपुट के रूप में हमने प्रोवाइड किया है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो आउटपुट है उसे इस प्रकार, इस एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सी एस इजकल टू आर एस इंटू 1/ST+1। क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस बटा आर एस, और वो होता है 1/ST+1 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो यहाँ से हमने सी एस इजकल टू लिख सकते हैं हम आर एस इंटू 1/ST+1। एज द इनपुट इज यूनिट इम्पल्स, यहाँ पे जो है इनपुट की जगह पे हमने क्या लिया है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन लिया है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। और यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो होता है 1। तो जब हम आर एस की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें हो जाएगा सी एस इजकल टू 1 × 1/ST+1। यानी कि सी एस इजकल टू 1/, और यहाँ से टी हमने कॉमन ले लिया है, तो 1/T × S+1/T। चूँकि नीचे में एक ही फैक्टर है एस का, इसलिए हमें फैक्टर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करने की आवश्यकता नहीं है, ये टी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम इनवर्स लैप्लस ले करके हम इसका सर्किट का रिस्पांस लिख सकते हैं। तो जब हम इनवर्स लैप्लस लेंगे तो इस सी एस को हम क्या लिखेंगे, सी टी लिखेंगे। ये जब इनवर्स लैप्लस लेंगे तो ये फ्रिक्वेंसी जो है हमें टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैपिटल सी को हम स्मॉल सी में लिखेंगे। और हम जानते हैं कि 1/S+A ये किसका लैप्लस होता है, e^(-at) का। यहीं पे हमारा एक जगह पे 1/t है, यानी एक जगह पे हम 1/t लिखेंगे। यानी कि इसका जब हम इनवर्स लैप्लस लेंगे तो हो जाएगा सी टी इजकल टू 1/t, तो हमारा कांस्टेंट है e^(-t/t)। ये हमारा सर्किट का रिस्पांस मिलेगा जब सर्किट में हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन को इनपुट के रूप में अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। तो हमें मिलेगा सी टी इजकल टू 1/t e^(-t/t)। इस फंक्शन, ये आपका रिस्पांस है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आपका ये रिस्पांस है। इस रिस्पांस को अगर आप देखिए कि t इजकल टू अगर मान लीजिए 0 पुट करते हैं इस
रिस्पांस में भी, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या रिस्पांस है सिस्टम का, जब इंपल्स फंक्शन जब टी इज इक्वल टू जीरो अप्लाई की, जब इंपल्स फंक्शन जब हमने अप्लाई किया इनपुट के रूप में, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट का क्या रिस्पांस है, जब टी के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सी टी इज इक्वल टू मिलेगा वन बाई टी, यानी उस समय सर्किट का जो रिस्पॉन्स है वो वन बाई टी है, जहाँ टी क्या टाइम कॉन्स्टेंट। और जब टी इज इक्वल टू जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, यानी आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, सर्किट का रिस्पांस क्या है, तो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम जो यहाँ टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जीरो हो जाएगा। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कोई भी रिस्पॉन्स सर्किट का नहीं है, जीरो। तो इस फंक्शन के अनुसार ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो टी इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू है इस रिस्पॉन्स है वन बाई टी, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो आपका सर्किट का जो रिस्पॉन्स है वो आपको टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये रिस्पॉन्स जीरो हो जाएगा। और जिस समय ये फाइनल ये यहाँ पे इस फंक्शन के लिए ये आपका इनिशियल वैल्यू का, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनिशियल वैल्यू का जिस समय आपको ये इनिशियल वैल्यू का जिस समय आपको ये 36.8% अचीव कर लेता है तो वो आपका ये टाइम कॉन्स्टेंट कहलाएगा। और इसका जो चार गुना होगा उस समय फंक्शन आपका सिस्टम जो है स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 40 के बाद से ये आपका स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, सर्किट हमारा सिस्टम हमारा स्टेडी स्टेट में पहुँच जाएगा। और इसके पहले ट्रांजिएंट स्टेट है, ये ट्रांजिएंट स्टेट है जहाँ पर कि टाइम के हर वैल्यू के लिए सिस्टम का रिस्पांस चेंज हो रहा है, और सेटलिंग टाइम के बाद इसका जो रिस्पांस है वो कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ही रिस्पांस हम लोग देखेंगे सब्जेक्टेड टू यूनिट रैंप इनपुट फंक्शन, यानी जब हम यूनिट रैंप फंक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में तो सर्किट का क्या रिस्पांस है, तो सर्किट का क्या रिस्पांस है उसको हम लोग देखते हैं। तो द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जो सर्किट का जो रिस्पांस है वो आप इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाता है सी एस इज इक्वल टू आर एस इंटू वन वटा एस टी प्लस वन। यहाँ पे हम आर एस के जगह पे वन बाई एस स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि हमने जो इनपुट लिया है वो रैंप सिग्नल लिया है, और रैंप सिग्नल आर टी इज इक्वल टू टी को कहते हैं, और इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है वन बाई एस स्क्वायर, यहाँ पे वन नहीं होगा, ये आर टी इज इक्वल टू टी है। तो आर एस इक्वल टू इसका लैपलेस वन बाई एस स्क्वायर होगा, तो वन बाई एस स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा सी एस इक्वल टू वन बाई एस स्क्वायर इंटू वन बाई एस टी प्लस वन। सी एस इक्वल टू यहाँ से टी यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से टी जब कॉमन लेंगे तो एस प्लस वन बाई टी हो जाएगा, और ये एस स्क्वायर था। तो इसको अब हम रिस्पॉन्स जानने के लिए टाइम रिस्पॉन्स जानने के लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सपेंड करना होगा, और चूंकि ये स्क्वायर है रिपीटेड रूट्स हैं इसमें तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ए बटा एस प्लस बी बटा एस स्क्वायर प्लस सी बटा एस प्लस वन बाई टी। उसके बाद आपको ए का वैल्यू अगर निकालना है तो जो रिपीटेड रूट्स था उसके हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करते हैं उस फंक्शन को, और एक बार डिफ्रेंशिएशन लेंगे, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, और इसका वैल्यू निकालेंगे एस इज इक्वल टू जीरो पे, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, और जो फंक्शन बचा उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस वन बाई टी बटा एस प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। जब एस के जगह पर जब जीरो पुट करेंगे, इसमें एस के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो आपको माइनस टी बचेगा, नीचे में स्क्वायर है तो ये आपको माइनस टी बचेगा। ठीक उसी प्रकार से बी इज इक्वल टू बी निकालने के लिए जो है बी के डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो एस स्क्वायर था, तो एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे उस फंक्शन को तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो फंक्शन बचेगा उसका वैल्यू एस इक्वल टू जीरो पे निकालेंगे, एस के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो वन बाई टी कैंसिल होकर वन बचेगा सिर्फ। सी का वैल्यू निकालने के लिए सी के डिनोमिनेटर में आपको एस प्लस वन बाई टी है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग जो फंक्शन बचेगा उसका वैल्यू एस इक्वल टू माइनस वन बाई टी पे निकालेंगे, तो एस के जगह पे माइनस वन बाई टी रखेंगे जब हम
तो आपको ये आपको माइनस वन बाई टी जब रखेंगे तो ये टी स्क्वायर आपको नहीं आएगा। तो ये सी टी का जो वैल्यू है आपको टी स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको टी स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि टी आएगा, क्योंकि ये है आपका वन बाई टी और नीचे में यहाँ पे एस की जगह पे माइनस वन बाई टी रखेंगे तो वन बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको टी बचेगा, यहाँ पर भी आपको सिर्फ टी बचेगा। तो अगर हम इन वैल्यूज को रखेंगे इक्वेशन वन में तो हमें ए बी सी की जगह पर रखेंगे तो ए की जगह पर माइनस टी रखाएगा, बी की जगह पर वन रखाएगा और सी की जगह पर प्लस टी रखाएगा। तो आपको हो गया सी एस इजकल टू माइनस टी वाई एस प्लस वन वाई एस स्क्वायर प्लस टी वाई एस प्लस वन वाई टी। अब हम लोग इसका इन्वर्स लैपलेस लेंगे, तो जब इन्वर्स लैपलेस लेंगे तो ये हमारा सी एस जो है ये हमारा सी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस टी रह जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म के वाई एस होता है, तो माइनस टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म माइनस टी वाई एस होगा। प्लस यहाँ पे वन वाई एस स्क्वायर है तो वन वाई एस स्क्वायर किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, टी का होता है, और यहाँ पे आपको टी इंटू वन वटा एस प्लस ए किसका होता है, तो आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है टी तो रहेगा ही कॉन्स्टेंट के रूप में इंटू ई टू द पावर माइनस टी वाई टी, ई के पावर माइनस ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वन वाई एस प्लस ए, तो ए के जगह पे यहाँ पे वन वाई टी है। तो आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा यही आपको रैंक सिग्नल प्रोवाइड करने पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स आया, इसी को हमने लिखा है यहाँ पे सी टी इजकल टू टी माइनस टी प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टी। अब यहाँ पर भी अगर हम एरर जानना चाहें कि एरर कितना है तो इनपुट हमने क्या अप्लाई किया और आउटपुट हमें क्या मिला है, रिस्पॉन्स क्या मिला है, तो इनपुट तो हमने टी अप्लाई किया था और रिस्पॉन्स हमें मिला है टी माइनस कैपिटल टी प्लस, ये आपको रिस्पॉन्स था। अब यहाँ से अब टी कट जाएगा, आपको बचेगा क्या टी प्लस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टी। अब हम जानना चाहें कि स्टेडी स्टेट इरर क्या है, यानी टी इजकल टू इन्फिनिटी पे, टी इजकल टू इन्फिनिटी पे इरर क्या है, जब सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में पहुँच जाएगा उस समय इरर क्या होगा सर्किट का। तो हम टी की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें स्टेडी स्टेट इरर मिलेगा, तो स्टेडी स्टेट इरर मिलेगा तो हो जाएगा आपको टी प्लस टी इंटू और ई के पावर माइनस टी बटा टी, लिमिट लगाएंगे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो टी की जगह पर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा टी, यानी कि स्टेडी स्टेट इरर आपको मिला टी, जो कि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यानी कि एक कांस्टेंट का इरर है, इनपुट और आउटपुट में एक कांस्टेंट के बराबर का, टाइम कांस्टेंट के बराबर का इरर है। तो ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ये आपका इनपुट था, इनपुट था आपको टी और ये है आपको रिस्पॉन्स सी टी, ये था आपको आर टी इजकल टू टी और ये है आपको सी टी, और इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपका इनपुट था, ये आपका आउटपुट है, रिस्पॉन्स है, और इन दोनों में टी यानी टाइम डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट के बराबर का ये आपका इरर है, डिफरेंस है, टाइम कांस्टेंट के बराबर का दोनों में डिफरेंस है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जितना टाइम कांस्टेंट है उतने से हमारा रिस्पॉन्स लैग कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि द टाइम रिस्पॉन्स शोन इन द फिगर इंडिकेट्स, जो फिगर में जो टाइम रिस्पॉन्स दिखाया गया है वो इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट में आउटपुट मैचेज विद द इनपुट, आउटपुट इनपुट से मैच कर रहा है, यानी कि जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट भी है, बट लैग्स बिहाइंड द इनपुट, लेकिन इनपुट से लैग करता है बाई टाइम टी, टी के द्वारा जितना टाइम कॉन्स्टेंट है उसके द्वारा ये लैग कर रहा है आपका रिस्पॉन्स, एंड ए पोजिशनल इरर ऑफ टी यूनिट एग्जिस्ट, और यही इरर जो है पोजिशनल इरर इससे कह रहे हैं कि पोजिशनल इरर टी एग्जिस्ट कर रहा है इन द सिस्टम में, इन सिस्टम इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, यह भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोअर द टाइम कॉन्स्टेंट, अगर टाइम कॉन्स्टेंट अगर हमारा सर्किट का सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट अगर हमारा कम हो, जितना कम से कम हो तो हमारा इरर भी उतना कम से कम होगा, पोजिशनल इरर भी कम से कम होगा और जो हमारा रिस्पॉन्स है वो कम से कम लैग करेगा। ये आपको इस फिगर से सर्किट के रिस्पॉन्स से
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये आपको इतना पता चल रहा है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस अलग अलग इनपुट सिग्नल के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।